इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि रमेश का वेतन दिनेश के वेतन से 12% अधिक है तो दिनेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए, एक तरफ रमेश है और एक तरफ दिनेश है। रमेश का वेतन दिनेश के, दिनेश का वेतन अगर 100 यूनिट है तो रमेश का वेतन कितना होगा, 112 यूनिट पूछ रहा है। तो दिनेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना कम है, यह 112 से यह कितना कम है। तो आप देखिए, 12 यूनिट कम है, 12 यूनिट किससे कम है, 112 से, बटा 112 गुने 100। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना, काटिएगा तो ये कट जाएगा 2×6 12, 2 से काटिएगा 2×5 10, 6×2 12, 56 मरते, 2 से काटे 2×3 6, ये कट जाएगा 2×2 4 और 8×2 9 16, 28 मरते, यानी ऊपर आ जाएगा 300/28। 300/28 को आप आसानी से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 10.7%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है, एक विक्रेता का बात कर रहा है। एक विक्रेता ने 850 रुपए अंकित मूल्य वाले एक पुस्तक को 20% और 10% की क्रमिक छूट पे खरीदा। उसने इसके परिवहन पे 55 रुपए खर्च किए और पुस्तक को 980 रुपए में बेच दिया। इसका प्रतिशत लाभ दिया गया। देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 850 रुपए, लेकिन उसने क्या किया, 20% छूट, यानी कितना में खरीदा, 80/100 में। फिर कर रहा है 10% का एक और छूट लेता है, यानी 90/100, यानी टोटल यह उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। फिर यहाँ इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिएगा, यानी ये कट जाएगा आपको कितना, 2 से काट दिया है, 2×5 10, 2×6 8, 4 मरते, 5 से इसको काटिएगा तो 5×1 5, 5×3 8, यानी 7×5 35, यानी 17×4×9, 17×4×9, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपको कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। कितना, 612। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक। लेकिन उसके परिवहन पे कितना खर्च कर रहा था, तो परिवहन पे आप देखिएगा वह 55 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 612 प्लस कितना, 55, यानी 612 प्लस 55 उसका क्रैमुल हो गया, यानी वह उसको इतना पैसा लगा, यानी ये दोनों ऐड की जाए तो यह आ जाएगा 667 रुपया। ये 667 रुपया का सामान बेच कितना में रहे, 980 रुपया में। कितना में बेच रहे, 980 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इसका डिफरेंस देखिएगा तो 313 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 313 रुपया का प्रॉफिट, या किस पे हो रहा है, 667 पे हो रहा है। बस गुने 100 यानी परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा आपको कितना, 46.93%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मत से हराया, तो अजय को कितना मत मिला था। देखिए, टोटल व्यक्ति कितना थी, 9000 व्यक्ति था, टोटल व्यक्ति कितना था, 9000, ठीक। इसमें से क्या हुआ, 80% व्यक्ति ने ही वोट करता है, यानी जब 80% वोट करता है तो यह कितना वोटिंग होता है, यानी इसका 80% निकाल देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 9×72, यानी 7200 व्यक्ति ही क्या करता है, वोट करता है। ये हो गया वोटिंग। अब क्या कर रहा है, यदि 20% मत अमान घोषित हो, जब 20% अमान होगा तो वैलिड वोट कितना होगा, 20% मत अमान हो गया, यानी 7200 का अगर 20% वोट अमान हो गया तो वैलिड कितना होगा, 80%, यानी इसका 80% निकालिएगा, 00 से 00 कैंसिल, 0×8×16 16 हाथ ले, 8×56 157, 5760, ये उसका क्या होगा, एक्चुअल वोट हो गया, कितना, 5760, इतना वोट उसमें पड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या करा है उसको देखिए, यदि अजय और मोहन को इतना मत से हरा दिया, देखिए अजय प्लस मोहन को अगर दोनों का वोट मिला दिया, अजय और मोहन का वोट मिला दे, यह टोटल वोट पड़ता कितना, 5760। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय ने मोहन को इतना वोट से हरा दिया, यानी अजय को वोट ज्यादा पड़ा होगा मोहन से कम, यानी अजय में से अगर मोहन का वोट को घटा देंगे, यह वोट कितना के बराबर आ जाएगा, 1152 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से पूछ रहा अजय का वोट क्या होगा, तो अजय निकालना है तो इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो मोहन से मोहन कैंसिल, यानी यहाँ हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा,
4 10 11 7 1 8 1 9 ये हो जाए 5 1 6 बस ए का वैल्यू यहां से निकाल दीजिएगा। अजय बराबर कितना 2 3 6 2 6 8 2 5 10 और 1 यानी 3 4 5 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखिए 2 3 2 6 2 2 4 2 5 10 यानी 6 2 12 2 5 3 4 5 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अजय को कितना वोट पड़ा यानी 3456 वोट किसको पड़ता है अजय को। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए यहां लिख रहा है लिख क्या रहा है 15 व्यक्ति का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति का वजन क्या कीजिए। देखिए अगर 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे अगर 52 किलो वाले जाता और 52 किलो का ही आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वह इतना एज लेके आया कि 15 व्यक्ति में सब में क्या किया 3.2 का वृद्धि कर दिया। यानी 15 व्यक्ति तो आई इस सब में क्या किया उसने 3.2 का वृद्धि कर दिया यानी ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया 15 मल्टीप्लाई 3.2 यानी ये हो जाएगा कितना 48 का उसने वृद्धि कर दिया यानी 52 प्लस 48 उसने एक्स्ट्रा लेके आया था यानी उसका एज कितना था तो वह 100 केजी का था। कितना 100 केजी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसे समझिए अगर कोई व्यक्ति 52 किलो का गया और अगर 52 किलो का ही आ जाता तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन उसने आने के बाद क्या किया कि सबको 3.2 का वृद्धि कर दिया यानी अपना एज सब में बांट दिया। कितना 3.2 सब में बांट दिया। टोटल कितना व्यक्ति में बांटा यानी 15 व्यक्ति में 3.2 का वृद्धि कर दिया सब में यानी टोटल इतना का वृद्धि हो गया। यह एक्स्ट्रा लेके आया था यही एक्स्ट्रा उसने लेके आया था। ठीक है जब इसको ऐड कर देंगे तो उसका टोटल वजन प्राप्त हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर 100 केजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है आदित्य ने एक्स को 32% के लाभ पर और वाई को 13% के हानि पर बेचा। ठीक उसने पूरे सौदे में 180 रुपया लाभ कमाया। यदि एक्स वस्तु वाई से 90 कम है तो वाई का मूल्य क्या कीजिए। देखिए दो वस्तु एक्स और वाई, एक्स का बात कर रहा है वो वाई से क्या है 90 रुपया कम है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के थ्रू समझना होगा। देखिए मान लीजिए वस्तु एक्स है अगर उस वह एक्स जो है क्या करें यदि वस्तु एक्स का मूल वस्तु वाई के मूल से 90 कम है यानी एक्स का मूल अगर हम मान लेते प्राइस पी है एक्स का प्राइस पी है तो वाई का प्राइस कितना होगा 90 रुपया ज्यादा होगा पी प्लस नब्बे तब ना एक्स 90 कम होगा यानी पी प्लस 90। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए क्वेश्चन में जो कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वस्तु एक्स को 32% का लाभ और वाई को 13% के हानि पे बेचा तो पूरे सौदे में 180 रुपया का प्रॉफिट होगा यानी 180 रुपया का पूरा सौदा में उसको क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए 180 रुपया। देखिए 180 रुपया देखिए पी को क्या करा है 32% लाभ यानी पी को 32% लाभ यानी 132 बटा 100 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना वाई को यानी वाई प्लस वाई को क्या लिखे पी प्लस नब्बे को हमने क्या किया कितना परसेंट 13% का हानि पे बेच रहे 13% का हानि यानी 87% पे बेच रहे यानी 87 बटा 100 इसमें से ये उसका क्या हुआ सेलिंग प्राइस। सेलिंग में से क्रैमुल को अगर घटा ले क्रैमुल कितना P प्लस एक्स का वैल्यू कितना 2P प्लस 90 यानी P प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2P प्लस 90 अगर इसको घटा दे यह हमको कितना के बराबर आ जाएगा 180 रुपया के बराबर आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 तो 100 एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाएगा 132p प्लस कितना आ जाएगा 87p बटा 100 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना आ जाएगा प्लस 90 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। माइनस कितना दिया गया 2p प्लस 90 ठीक है।
बराबर 180, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से यह 100 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 7 के 8 1 9 9, ये हो जाएगा 8 2 10 11 1 1 2, यानी 219 पी कितना हो जाएगा 7 123% का प्रॉफिट हो रहा। तो यहाँ 132 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 132 ना लिख के यहाँ क्या लिखा हुआ है 123% का प्रॉफिट में बेच रहे थे, 123%, यानी यहाँ भी आ जाएगा कितना 123%। ठीक है, ये आ जाएगा 7 3 10 के 0 हासिल 1 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 2 210 पी। ठीक है, प्लस प्लस कितना 90, माइनस कितना आ जाएगा 200 पी, ये ब्रैकेट में था। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 900। ठीक है, बराबर कितना ये 100, यहाँ से क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 1800। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से आपको आंसर दे देगा। देखिए यहाँ देखिए 210, यहाँ 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 पी बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 90 प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यहाँ से 90 मल्टीप्लाई कितना होगा 87 होगा, यहाँ 87 छूट रहा, 90 मल्टीप्लाई 87, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये आ जाएगा आपको कितना, पी का वैल्यू आ जाएगा 21। एक मिनट, यहाँ कहाँ गलत हो रहा है सो देख लेते। देखिए इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते, क्या कर रहा है, एक्स को 23% लाभ पे बेचा रहा है, यानी एक्स के जगह पे हमने क्या माना पी, पी को क्या करें 23% प्रॉफिट, यानी 123/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पी यानी वाई को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस 90, इसको क्या कर रहा है कितना परसेंट, यानी 13% हानि पे, यानी कितना बेच रहा है 87% में, यानी 87/100। इसमें से अगर हम ये हो गया क्या सेलिंग प्राइस, इसमें से कॉस्ट प्राइस घटा दे, यानी पी प्लस 90 को घटा दे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये 180 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 123 पी प्लस कितना आ जाएगा प्लस 87 पी प्लस कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 87 बटा 100 माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस 2p प्लस 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना दिया गया 180, यहाँ आसानी से सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 210p प्लस कितना 90 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आसानी से मल्टीप्लाई ना करके इसको छोड़ देते, 90 मल्टीप्लाई 80 ही लिख देते, 90 मल्टीप्लाई 80 कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना आ जाएगा यहाँ 200p प्लस माइनस हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100 90 मल्टीप्लाई 00, बराबर कितना दिया 1800 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 210 में से 200 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 10p बराबर लिख सकते हैं कितना, यहाँ देखिए ये 18 है तो ये प्लस माइनस है तो उधर प्लस में चला जाएगा, 0 0 कितना आ जाएगा 30 और 8 2 9 16 1 17 के साथ हासिल 1 2700 और ये प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा, ये कितना माइनस है 9 8 72 यानी 72 यानी कितना 80 नहीं ये 87 है, 90 मल्टीप्लाई 87 था तो 90 को इसको आसानी से यही लिख देते, 90 मल्टीप्लाई 87 लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ हम क्या करते हैं 90 कॉमन ले लेंगे तो 9 9 27 3 बचेगा, 10 कॉमन ले लिए तो 00 माइनस कितना 87 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इतना लिख सकते 300 में से 80 घटाएंगे, यहाँ कितना बच रहा है 10p, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 213, 9 को 213 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 1917 कितना 1917 ये 1917 आ गया पी का वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है तो वस्तु y का कितना मूल होगा तो y का वैल्यू कितना माने थे p प्लस 90 यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1917 प्लस कितना 90 1917 में 90 ऐड कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 7 9 1 10 9 1 10 यानी 2 यानी 2007 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में कौन सा 1/5% के समतुल्य है। देखिए 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं आसानी से, 1/5 को 1/5 लिख सकते हैं। अब परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100 प्लस इसको बराबर कर दिया यानी 1/500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना M और N महत्तम समावर्तक A है, M और N का HCF कितना दिया गया, A दिया गया और N बराबर AB, और M और N का लघुत्तम समावर्तक निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित करेगा। देख लीजिए मान यहाँ क्या, M और N का महत्तम समावर्तक A है, M और N का HCF हमने देखा, M और N का HCF हमने निकाला तो HCF कितना आया, HCF निकाले तो ये HCF A दिया गया, ठीक है HCF A होगा, लेकिन हमको क्या करा है इसका HCF इतना A है और N बराबर दिया गया है A व B, और M और N का लघुत्तम समावर्तक कौन सा होगा। मान लीजिए M पहली संख्या फर्स्ट नंबर है और N क्या है सेकेंड नंबर है, ठीक, हमको क्या पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, ये हमको पता है ठीक है HCF। ठीक, यहाँ पहली संख्या क्या दिया गया है, पहली संख्या हमको M दिया गया है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या N से, यह LCM कितना प्राप्त हो रहा है इनका महत्तम समावर्तक, LCM हमको नहीं पता, LCM LCM होगा मल्टीप्लाई महत्व, HCF कितना प्राप्त हो रहा है E, ठीक। यहाँ अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, N बराबर क्या दिया गया A इंटू B, यानी N के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते A इंटू B लिख सकते M मल्टीप्लाई A इंटू B बराबर क्या लिख सकते हैं LCM मल्टीप्लाई A, A से A कैंसिल हो जाएगा यानी LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा M इंटू B, M इंटू B, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन M इंटू B यानी ऑप्शन D इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन D, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी में तीन प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक लकड़ी और कांच, प्लास्टिक लकड़ी और कांच के बक्से की संख्या का अनुपात दिया गया 2:3:5, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144 है, यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी हो। देखिए अब पहले देखिए यहाँ क्या दिया, एक तरफ प्लास्टिक है उसके बाद लकड़ी है और कांच के फोर कांच, ठीक है, मान लीजिए इसका रेशियो कितना दिया गया, संख्या में दिया गया 2:3:5, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लकड़ी और कांच, लकड़ी और कांच का डिफरेंस कितना दिया गया है 2 यूनिट, यह 2 यूनिट कितना के बराबर है 144 के बराबर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 214, 2×4 यानी 72, 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया 72। हमसे पूछ रहा है प्लास्टिक के बक्सा, प्लास्टिक का बक्सा कितना था 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट का 72 72 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाए 2×4 7×14 यानी 144, यानी प्लास्टिक का पहले बक्सा की संख्या कितना थी 144। अब क्या करा 25% का वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 4 में 1 का वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 5/4, बस इसको सॉल्व कर दिया, 5/4 को काटिएगा 2 से कट जाएगा 2×4 ये कट जाएगा 7×14 2×4 72 को 2 से काटिएगा 3×2 6 6×12 36 6×5 30 के सुनना हासिल 3×5 15×3 18 यानी 180, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है, इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सम्मुख यानी उसी दिशा में चल रहे एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले देखिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को 16 सेकेंड में पार कर जाती है, यहाँ ये दिया गया स्पीड किसका आदमी का, टाइम दिया गया हमको ट्रेन का स्पीड निकाल देंगे, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन दूरी, समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। टाइम टोटल समय कितना ले रहा है 16 सेकंड, पहले डिस्टेंस देख लीजिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है,
समान दिशा में, जब एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, यानी ये दिया गया आदमी का, तो ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं कि स्पीड एक्स है, ट्रेन का स्पीड अगर एक्स है उसमें से आदमी का स्पीड कितना 8 को घटा लेंगे, ये दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना दिया गया कितना सेकंड में 16 सेकंड में पार कर जाता है। बस इसको सॉल्व करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। जब देखिए ये कैसे कटेगा, 5 से काट दीजिएगा, 50 25, 5 3 8, 6 5 30, 56 बढ़ते, और 8 से कट दिया, 8 2 16, 856, 7 मरते कैंसिल हो जाएगा आसानी से। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना, 2 इंटू क्या आ गया x माइनस 8 बट्टा कितना दिया गया 18, यानी 2 से 18 कट जाएगा, 9 मरते 9 7 63 यानी 63 माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा 8, यानी x का वैल्यू कितना है 8 2 10 11 6 1 7 71 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गया किसका, किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गया x, स्पीड आ गया किसका, रेल का, ट्रेन का स्पीड आ गया। अब पूछ रहा है यही ट्रेन क्या कर रहा है, एक 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करना है, पहले 280 तो उसको अपना चलना पड़ेगा, साथ में 380 अन ट्रेन का चलना पड़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक का स्पीड 37 और इसका स्पीड 71, यानी स्पीड डिफरेंस निकाल देंगे 71 माइनस कितना आ जाएगा 70 क्या आ जाएगा, सम्मुख दिशा में, एक इधर आ रहा है एक इधर, सम्मुख आमने सामने की दिशा में, आमने सामने की दिशा में, यानी दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 71 प्लस 37, ये आ गया क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर कितना दिया गया मीटर में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 8 2 16 3 2 5 1 6 660 बटा कितना 7 71 बटा 71, यानी ये आ जाएगा आपको कितना 7 1 8 7 1 8 7 3 10 मल्टीप्लाई 5, ऊपर कितना 18, ये 18 से कट जाएगा, 18 9 टोटल से 8 9 8 ये आप काटिएगा तो आसानी से कट जाएगा, देखिए 2 से काट देते हैं, 9 2 18, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 4 8 54, यार ये 5 से काट देते ये कट जाएगा कितना, 5 1 5 5 3 15, 5 2 9 10, 132, 8 से काट जाएगा तो 8 6 32, देखिए 2 से काट देते 6 2 9 12, 6 2 9 12 66, ये कट जाएगा 2 2 9 4, 7 2 9 14 27, 3 से काट जाए 9 3 27, 3 मरते 3 से काट जाए 3 2 9 6, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका 22 सेकंड में वो क्या करेगा पार कर जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कोई व्यक्ति को पार करना है तो उसको अपनी लंबाई के इतना दूरी तय करना पड़ता है, यानी 450 बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 450 बटा कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इसको किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड है, 5/18 से 5 6 8 54, 3 5 5 3 45 यानी 15 45 यानी 30 सेकंड में पार कर जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 25 संख्या का औसत 48.2 है, यदि पहली 10 संख्या का औसत 47 और अंतिम 12 संख्या का औसत 49 है तो 59 और शेष जो संख्या बचा हो उन सभी का औसत ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या करा है 25 संख्या का औसत 48.2 है, तो यानी 25 संख्या का सम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 25 संख्या का सम निकाल सकते हैं, यानी 25 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 48.2, ये आ जाएगा 25 संख्या का सम, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा आपको 5 2 10, ये आ जाएगा आपको कितना 1205 के आसपास आ जाएगा, कितना 1205 आ जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि पहली 10 संख्या का औसत 47 है, यानी पहली 10 संख्या का सम निकाल सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 47, यानी कितना आ जाएगा 470, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम 12 संख्या का औसत इतना है, यानी अंतिम 12 संख्या का औसत 49 है, तो 12 संख्या का सम निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 588, 588 यानी टोटल इसका सम निकल के आ जाएगा कितना
14, 15, 5 हासिल है, 5, 9, 10, 58, यानी बीच में कितना आ जाएगा, 3 संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ टोटल 25 है, 25 और 12 हो गया कितना 22, तो बचा कितना है 3 संख्या, या 3 संख्या का सम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 संख्या का सम कितना आ जाएगा, रेस्ट 3 डिजिट 3 नंबर, रेस्ट 3 नंबर का सम निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना 1205 माइनस कितना की जाएगा 1058, 1205 में से 1058 को घटा दीजिएगा तो रेस्ट 3 संख्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा कितना 147। ठीक, ये रेस्ट 3 संख्या। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ यह रखता है कि यह 3 संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ कुछ और रहा है, कह रहा है तो 58, 69 और शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यह 147 यह लास्ट 3 संख्या का सम निकल गया, लेकिन यह 3 जो संख्या निकला 147 3 संख्या निकला, प्लस क्या करना है 58 कीजिए और प्लस 69 कीजिए, यह टोटल संख्या कितना हो गया 5, यानी इसको 5 से डिवाइड करना है। बस इसको जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 274/5, 274 को 5 से डिवाइड कीजिएगा यह आ जाएगा 54.8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हुआ, कौन सा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न व्यंजक का सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, देखिए ये 5 है तो ये निकल जाएगा 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 आ जाएगा, प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई में देखिए 49 निकलेगा 0.7, यानी 2 अंक के बाद 0.07, 49 बाहर निकलेगा कितना 0.07, माइनस कितना जाएगा 0.3, मल्टीप्लाई 9 बाहर निकलेगा तो 0.3, बस इसको सॉल्व कर देना है, ये सॉल्व होके कितना जाएगा 0.5, प्लस कितना 7, 2, 9, 14, 0.14, माइनस कितना 3, 3, 9, 0.09, बस इसको ऐड घटाना, यह आ जाएगा कितना 5, 6, 59.54, माइनस कितना आ जाएगा 0.09, यानी ये घट के आपको आ जाएगा कितना 50, ये घट के आपको कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना था 50, 25.5 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 7, 2, 9, 14, 1.4, यानी 0.5 में 1.4 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं, तो देखिए 0.5 में 1.4 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा, ये होगा आपको कितना 6, देखिए ये 5 है ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा 6.4, यानी 6.4 में से 0.9 घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 0.55, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इतना 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 का महत्तम समावर्तक x है तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, देखिए 16, 800, 16, 83, 22, 44 और कितना दिया गया 50, 49, इसका एचसीएफ निकालना है। हमने क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आपको डिफरेंस चेक कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस कितना आएगा 561 डिफरेंस आ जाएगा, 561, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिए 561, अब क्या कीजिए, अब डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका और इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, ये आ जाएगा कितना 2805, कितना 2805, और पहला और लास्ट का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3363। ठीक, अब क्या करा, एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ में जो उसका डिफरेंस सबसे छोटा है उसको लेंगे, ठीक, इससे चेक करेंगे कि ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, यानी तीनों आसानी से कट रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आप निकालिए 561, इसका एचसीएफ प्राप्त होगा। अब क्या करा, इनके अंकों का योग यानी 5 + 6 + 1, ये कितना 6, 4, 10, 11, 12, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे लिख सकते, एक रूट में सबको एक साथ लिख सकते, रूट अंडर क्या लिख सकते, 54 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है 24 मल्टीप्लाई कितना 45, बस इसको सॉल्व कर देना, 5 से काट देते 5, 9, 45, 9 मरते 5, 2, 9, 10, 50, 25, 25 मरते आ जाएगा, अब देखिए 3 से काट देंगे 9, 9 से काट 9, 6, 54, 6 मरते 6, 4, 24, 4 मरते, यानी ऊपर कितना आ गया 25 निकलेगा था 5, और नीचे कितना आ जाएगा 4, 2, यानी 25, 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको अच्छा से समझिए और यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो सकता है।
लिख क्या है, राजेश, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी निश्चित धन राशि का 1/3 हिस्सा हार गया, यानी उसके पास जितना पैसा था उसका क्या किया, वह 1/3 हिस्सा हार गया। और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। उसके पास मूल धन राशि का कितना हिस्सा अब उसके पास बचा हुआ रह गया। मान लीजिए पहले पास उसके पास कुछ पैसा था, जितना था उसमें से उसने क्या किया, 1 यूनिट हार गया, यानी 1 यूनिट हार गया, तो उसके पास अब रिमेनिंग कितना यूनिट बचा, पहले उसके पास 3 यूनिट था, ठीक, जिसमें से 1 यूनिट हार गया, तो अब उसके पास बचा कितना, 2/3 यूनिट, ना 2/3 यूनिट, ठीक है। लेकिन अगला बार गया तो अगला बार में क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको आसानी से समझने के लिए इसको HCF मान लीजिए उसके पास टोटल पैसा कितना था, 3, 5 और 7 का LCM कितना होगा, उसके पास टोटल पैसा था 3 × 5 × 7, इसके पास टोटल इतना पैसा लेके वह गया था एक जुआ खेलने। पहले राउंड में जुआ में क्या हुआ उसके बारे में देखिए, पहले राउंड में होता है कि वह 1/3 हिस्सा हार गया, यानी पहले राउंड जब जुआ खेलने गया तो 1/3 हार गया, तो बचा कितना, 3 × 5 × 7 का 1/3 हिस्सा हार गया, तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा यानी 5 × 10, 7 × 14 यानी 5 × 10 ये 3 यूनिट हार गया, तो बचा कितना, इसको आसानी से यहाँ सॉल्व देखिए, उसके पास टोटल पैसा हमने मान लिया 3 × 5 × 7 यानी तीनों का एलसीएम लेके मान लिया। अब क्या कर रहा, उसने पहले दौर में 1/3 हिस्सा हार गया, जब 1/3 हिस्सा हार गया तो वह बचाता कितना है, 3 × 5 × 7, तो वह उसके पास पैसा था, लेकिन वह बचत कितना करता है, 2/3 यूनिट का। जब इसको सॉल्व किया, 3 से 3 कैंसिल, 5 × 10, 10 × 70 यानी 70 रुपये बचाता है दूसरा राउंड तक। और दूसरा राउंड में क्या होता है कि वह 3/5 हिस्सा हार जाता है, यानी सेव कितना करता है, सेकंड राउंड में जाता है तो 70 का 3/5 हार जाता है, सेव कितना करेगा, 2/5, 5 से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, कितना, 5 × 5 = 20, 14 × 14 = 28, दूसरा राउंड में वह 28 रुपया बचा के ले जाता है। तीसरा राउंड में कितना सेव करता है, तो थर्ड राउंड में उसके पास 28 रुपया रहता है, लेकिन कहता है कि वह 4/7 हिस्सा हार गया, तो सेव कितना किया, 3/7, 3 × 7 × 7 किया, 7 × 28 यानी 4 × 12 यानी उसने कितना, 12 यूनिट का क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। जब 12 यूनिट का सेविंग कितना पे कर रहा है, टोटल उसके पास पैसा कितना था, टोटल पैसा 12 यूनिट का सेविंग कर रहा है, टोटल पैसा था 3 × 5 × 7, जब इसको सॉल्व करें, 3 से काट जाए, 3 × 12 यानी 4/35 इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, संख्या इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने का क्या तरीका है, वह संख्या जो PQ के रूप में लिखा जाएगा उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको PQ के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ 2 और 3 पे रेकरिंग है, 2, 3, 2, 3 रिपीट हो रहा है, यानी इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.23 पे रेकरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रेकरिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जितना पे रेकरिंग है वह लिखते हैं डिवाइड, जितना पे रेकरिंग जितनी संख्या पे है उतनी 9 लिखते हैं, यानी 23/99 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 23/99 यानी ऑप्शन ए इस संख्या का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 450 यात्री से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया, पहले स्टॉप पे 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़ गए, दूसरे स्टॉप पे पर उस समय मौजूद यात्री का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े, तीसरे स्टॉप पे रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची थी, यानी हर स्टॉप पे क्या हुआ, देखिए पहला 450 यात्री लेके जा रहा था, पहला स्टॉप पे गया तो 1/9 यात्री उतर गया, तो बचा हुआ यात्री कितना था, 1/9 उतर गया तो बचा कितना, 8/9, ये 8/9 यात्री बचा, लेकिन कह रहा है कि 20 एक्स्ट्रा वहां पे उस स्टेशन पे चढ़ गया, यानी फर्स्ट स्टॉपेज पे टोटल
कितना हो गया, ये हो गया, इसको काटिए 9 5 45, 5 मरते 8 5 40, 40 यानी 400 प्लस कितना आ गया 20, 420 यात्री कितना फर्स्ट स्टॉपेज पे था, सेकेंड स्टॉपेज पे गया तो उसमें क्या हुआ 420 का दूसरे स्टॉपेज पे मौजूद यात्री का 1/6 यात्री नीचे उतर गया तो बचा कितना 5/6, और उसके बाद क्या हुआ 19 यात्री और उसमें चढ़ गए। बस इसको सॉल्व कर दिया, 6 से काट दिएगा ये कितना मरते कट जाएगा 6 7 42, 7 मरते यानी 70, 7 5 35, 350 प्लस 12, 350 प्लस 12 कितना हो जाएगा 2 5 6 362, यानी कितना आ जाएगा दूसरे 350 प्लस लास्ट में कितना 19 यात्री न चढ़े यानी 19 350 में 19 को ऐड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 9 5 369 यात्री कितना थर्ड स्टॉपेज पे पहुंचने के पहले इतना यात्री था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे उसमें क्या कर रहा है, 2 अंकी संख्या का योग 9 है, ठीक, 2 अंकी संख्या जिसका योग 9 है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरीका है कि संख्या मान के उसको सॉल्व करें, या दूसरा तरीका है कि ऑप्शन के सहारे सॉल्व करें। मान लीजिए क्या करें, 2 अंकी ये संख्या के अंकों का योग 9 है, 5 4 9, 7 2 9, 7 2 9, 5 4 9, यानी पहला कंडीशन तो सब फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए यानी ऑप्शन ए का यूज कर रहा है, यानी पहले 54 है अब इसके अंक के क्रम को उलट देते कितना हो जाएगा 45, उलट दिया जाए तो नई संख्या में नई जोड़ा जाए 9 जोड़ देते इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 यानी 54, तो मूल संख्या का 3 गुना के बराबर हो जाता है, जबकि यह मूल संख्या के एक्चुअल बराबर हो जाता है, यानी ये तो होगा नहीं, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा 27 के साथ चेक करेंगे, देखिए 27 क्या कर रहा है, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा, इसमें हमको 9 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 2 11, 7 1 8 81, इसका क्या गुना है 3 गुना, 27 का 3 गुना, यहाँ 3 गुना ही पूछ रहा था, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 48,000 रुपए की राशि को 2 भाई अनिल और आदित्य में इतना के अनुपात में बांटा जाए तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए, अनिल और आदित्य, आदित्य कितना 13 यूनिट, जो भी संख्या 13 से कट जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 13 से कटने वाला केवल ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा 26,000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी। आप इसको आसानी से ऐसे भी निकाल सकते, एक तरफ अनिल है दूसरा तरफ आदित्य है, ठीक, अनिल कितना 11, आदित्य कितना 13, यानी 3 1 4 1 1 2, यानी 24 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 48,000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 24 2 48 2000, हमसे पूछ रहा है 13 यूनिट का वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 13 से मल्टीप्लाई किया जाए 13 2 26 26,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 720 को गुना करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, 720 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 720 को आप आसानी से एलसीएम ले लीजिए, कुछ सोचिए नहीं एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना 2 से लगाएंगे या 3 2 6 6 2 12 360, फिर कितना करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 1 2 8 2 16 180, फिर 2 से लगाएंगे 9 2 18, फिर 2 से लगाएंगे 45 2 90, फिर 5 से लगाएंगे 5 9 45 9, फिर कितना 3 से लगाएंगे 3 3 9, यानी ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, 5 पेयर नहीं बना रहा है, यानी इसमें हमको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए एक